निसर्ग साइक्लोन महाराष्ट्र में मचाई तबाही। मुंबई में हुई भारी बारिश, तूफान का रुख गुजरात की ओर मुड़ा। तूफान की रफ्तार थी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, जिससे पेड़ गाड़ियों को भारी नुकसान, हवाई सेवाएं की गई बंद। केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में आवश्यक वस्तु अधिनियम APAC अधिनियम में संशोधन को दी गई मंजूरी। मोदी कैबिनेट ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला, किसान अब कहीं भी बेच सकेंगे फसल। जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में 3 आतंकी हुए ढेर, जैश का टॉप कमांडर मारा गया। देश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,909 हुई। देश में 24 घंटे में 217 लोगों की कोरोना से मौत, अब तक कुल 5,815 लोगों की हो चुकी है मौत। केरल में हुई एक शर्मनाक करतूत, एक गर्भवती हथनी को खिलाया पटाखे से भरा अनानास, हथनी की दर्दनाक मौत। गुजरात के भरूच में केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 5 की मौत, 57 घायल। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान से इंडिया शब्द हटाने की याचिका की खारिज।